सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय सच्चिदानंदाय परम गुरु। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्रीमद् वेदांत भागवत के 12वें स्कंद का 5वां अध्याय लिया जा रहा है और इस 5वें अध्याय में सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा भगवान सुखदेव जी मुनि उनका ये परीक्षित को आखिरी उपदेश है। यहाँ पर परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद संपूर्ण हो जाएगा। सुखदेव जी ने कहा कि प्रिय परीक्षित, इस भागवत पुराण में बार बार सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ, यानी उन्हीं के बारे में चर्चा हुई। और ध्यान देने वाली बात है कि ब्रह्मा रुद्र भी श्री हरि से पृथक नहीं है। सुन लो, ये भागवत कह रही है, ये ढोंगी ढांगी मानते नहीं, अलग अलग मंदिर बना के आपस में लड़ते रहते हैं। उनकी खुद की भागवत कह रही है कि ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि से पृथक नहीं है। उन्हीं की लीला प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है। प्रसाद लीला में वो भगवान है, नारायण है, और क्रोध लीला में रुद्र है। अब तुम यह पशुओं जैसी अभिवेक मूलक धारणा छोड़ दो। कौन सी पशुओं जैसी? डायरेक्ट कह दिया जानवर, पशु। इसलिए नेपाल में भगवान का नाम पशुपति नाथ है, क्योंकि जीव जो है, जीव अवस्था, ये पशु अवस्था है, जानवर की अवस्था है। तो ये धारणा छोड़ दो कि मैं मरूंगा, जो ये सोचता है ना कि मैं मरूंगा, वो पशु है। तुम शरीर हो ही नहीं, तुम तो शरीर आदि से सर्वथा अलग हो। ये तीसरा श्लोक। भैया कौन कहता है भागवत में ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वेदांत नहीं है? ये देखो साफ वेदांत है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित से कि तुम शरीर हो ही नहीं, तुम शरीर से सर्वथा अलग हो। स्वप्न आदि की तरह सब शरीर की ही अवस्थाएं दिखती हैं, आत्मा की कोई अवस्था नहीं है। देखने वाला तो उन अवस्थाओं से सर्वथा परे है। बहुत ध्यान से सुनना। और जन्म और मृत्यु से रहित है कौन? देखने वाला। शुद्ध बुद्ध परम तत्व स्वरूप है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते थे कि देखो देखो, देखने वाले को देखो। वो जो देखने वाला है उसको हम साक्षी से दिखाने का प्रयास आपको करते हैं। जैसे घटाकाश यानी घड़े का जो आकाश होता है, वो आकाश से हमेशा मिला हुआ ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है। घड़े के मुंह से जो आकाश में मिला है और रोम रोम छिद्र छिद्र से मिला है, लेकिन जब घड़ा फूट जाता है तो कहते हैं कि नहीं, इस घड़े का आकाश तो महाकाश से मिल गया। ऐसे ही जीव रूपी घड़ा फूटने पर वह ब्रह्म ही हो जाता है। मानो जीव ब्रह्म हो गया, अरे वास्तव में वह तो ब्रह्म ही था। उसकी अब्रह्मता तो प्रतीति मात्र थी, छलावा था, माया का भ्रम था। 5वां श्लोक। मन ही आत्मा के लिए शरीर विषय और कर्मों की कल्पना करा देता है और उस मन की सृष्टि करती है यह माया, यानी अविद्या मन को बनाती है। और माया ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का कारण है। परीक्षित, जब तक आत्मा का कर्म
मन शरीर और इनमें रहने वाले चेतना ध्यास के साथ संबंध रहता है, तभी तक उसे जन्म मृत्यु चक्र संसार में भटकना पड़ता है। ये जो शब्द है चेतना ध्यास, ये बहुत मूल्यवान है। जब तुम्हारी चेतना बाहर की तरफ प्रवाहित होती है, जब मन बुद्धि चित्त में तुम्हारी चेतना इतनी ज्यादा खो जाती है कि तुम अपने अंदर जरा सा झांक के नहीं देख सकते, तब यही चेतना तुम्हारी शत्रुवत व्यवहार करके तुम्हें संसार में ढकेल कर जन्म मरण के चक्र में डालती है। और ये चेतना का जो अध्यास है, चेतना को जो भ्रम हो गया है मन का, बुद्धि का, शरीर का, अहंकार का, यही रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण की वृत्तियों से उसे उत्पत्ति स्थिति और विनिष्ट उसको होना पड़ता है, नष्ट होना पड़ता है। 7वां श्लोक है। परंतु जैसे दीपक के बुझ जाने पर उसका जो तेज होता है, जो तत्व रूप उसका तेज होता है, उसका विनाश नहीं होता, वो तो समष्टि तेज में मिल जाता है, वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता। अब अत्यंत महत्वपूर्ण बात आ रही है और कान खोल के सुन लेना, क्योंकि वह कार्य और कारण व्यक्त और अव्यक्त सबसे परे है, सबसे अलग है। वह आकाश के समान सबका आधार है, नित्य निश्चल अनंत है। सचमुच आत्मा की उपमा केवल आत्मा ही है, आत्मा की कोई उपमा नहीं है, आकाश भी आत्मा की उपमा नहीं है। ये सच्चिदानंद श्री कृष्ण का स्वरूप है, यहां पर बता दिया सुखदेव जी ने। और बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, फिर दोबारा दोहराता हूं, क्योंकि वह कार्य और कारण व्यक्त एवं अव्यक्त सबसे परे है, वह आत्मा के समान सबका आधार है, नहीं क्षमा चाहता हूं, वह आकाश के समान सबका आधार है, नित्य निश्चल वह अनंत है, सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा ही है। अब सुखदेव जी कहते हैं डायरेक्ट, राजन परीक्षित, तुम विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो, यानी अपनी उस स्थिति में ठहर जाओ जहां मैंने ठहराया, और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो, यानी आत्म साक्षात्कार में अब तुम ठहर जाओ। तुम मृत्यु की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो, स्वयं मृत्यु और मृत्यु के समूह भी तुम्हारे पास फटक नहीं सकते, तक्षक की तो क्या बात है। इस प्रकार अनुसंधान करो, मैं ही सर्वाधिष्ठान परब्रह्म हूं, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूं, ये बात सुखदेव जी ने कही परीक्षित को, और ये बात अपने मंत्र में, गुरु मंत्र में आज तक चली आ रही है, क्योंकि अपने सबसे पहले गुरु सुखदेव ही थे, उसके बाद उसके पहले राजा जनक, और उसके पहले अष्टावक्र, और उसके पहले कोई नहीं, क्योंकि अष्टावक्र तो स्वयंभू सद्गुरु थे। इसलिए अपन कहते हैं ओम सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः शिवोहम ब्रह्म सच्चिदानंद। इसलिए इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। 11वां अध्याय, तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को तो क्या सारे विश्व को भी अपने से पृथक न देखोगे, सारा विश्व तुम ही में है और तुम सारे विश्व में हो। आत्म स्वरूप बेटा परीक्षित, अब भगवान सतगुरु बहुत प्यार से बोलते हैं, आत्म स्वरूप मेरे बेटा परीक्षित, अब तक्षक की क्या परवाह, उसके डसने की क्या परवाह, उसके काटने की क्या परवाह। और यहां पर यह 5वां अध्याय पूरा होता है, और अगले प्रवचन में हम 6ठा अध्याय लेंगे। शिवोहम शिवोहम।